My dear students, good morning. I am Dr. Akeshman Pujari, Assistant Professor Physics, ABS IIT Ghaziabad. Welcome back for physics class. और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट करंट. आपको पता है अभी जो कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये मॉड्यूल 2 जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है इसके बारे में या इसकी वेरियस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. पिछले क्लास में हमने कंटिन्यूटी इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ा था. तो कंटिन्यूटी इक्वेशंस के बाद डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में डिस्कस करेंगे. ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको जानना जरूरी है क्योंकि एम्पियर्स लॉ में जो मॉडिफिकेशंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट की फॉर्म में मॉडिफिकेशंस होते हैं. तो पहले सब्जेक्ट नेम वगैरह लिख लेते हैं. सब्जेक्ट नेम जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स, इसकी कोड है KS101T. जो मॉड्यूल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी. माय नेम इज डॉक्टर राकेशमन पुजारी. आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेस ह्यूमैनिटीज, ABS IIT गाजियाबाद. जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट करंट. और कोर्स ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं, फॉर्मुलेट एंड सॉल्व दी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. तो टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं. टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट. तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है और इसकी क्या जरूरत है? आपको पता है एम्पियर्स लॉ जो मैक्सवेल इक्वेशंस की एक अहम हिस्सा है जिसको आपने क्लास 12th में पढ़ा है, B.dl इंटीग्रेशन इजिकल टू μ0I. तो एम्पियर्स लॉ कंडक्शंस करंट के लिए काम करता है जैसे डिवाइसेस लाइक रेजिस्टेंस. लेकिन जब कैपेसिटर की तरह डिवाइस आ जाता है जिसमें चार्ज स्टोर होने के बाद करंट कंटिन्यूअस नहीं रहता बल्कि कट ऑफ हो जाता है, तो चार्ज फ्लो वहाँ कंटिन्यूअस नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस करंट कहते हैं उसको. उस केस में जो एम्पियर्स लॉ है B.dl इजिकल टू μ0I ये काम नहीं करता, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल. तो उस केस में मैक्सवेल ये पाए कि कहीं ना कहीं इक्वेशंस को मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है. इसलिए उन्होंने पहले एम्पियर्स लॉ में एक पार्ट जोड़ा जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, जो कंडक्शंस करंट की रिप्लेसमेंट है फॉर डिवाइसेस लाइक कैपेसिटर. तो इसको पहले हम थोड़ा 2-3 लाइन में डिफाइन कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से इसको समझ लेते हैं ताकि आप एग्जाम में ठीक से लिख पाएं. तो हम यहाँ लिखते हैं द कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड by Maxwell purely on theoretical consideration. तो एक theoretical derivation से जिसमें अभी तक एक्सपेरिमेंट हमने नहीं जोड़ा, तो
उनका कहना ये था मैक्सवेल्स का कि मैक्सवेल पोस्टुलेटेड मतलब उन्होंने जो डेफिनेशंस के बारे में बताया, मैक्सवेल पोस्टुलेटेड दैट ओनली करंट इन कंडक्टर, कंडक्टर मतलब जो कंटिन्यूअस करंट को कंडक्ट कर रहे हैं, कंडक्टर दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बट इन केस ऑफ वैक्यूम एंड डाइइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर के अंदर वैक्यूम होता है या डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, कंडक्टर के केस में मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होते हुए हमने डिराइव कर लिया, लेकिन ये मटेरियल वैक्यूम और डाइइलेक्ट्रिक के केस में क्या होता है, बट इन केस ऑफ वैक्यूम एंड डाइइलेक्ट्रिक ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। एंड द इक्विवेलेंट करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका मतलब है कि वैक्यूम और डाइइलेक्ट्रिक केस में कंडक्शन करंट की जगह पर डिस्प्लेसमेंट करंट रोल प्ले करता है। तो हमारे पास दो तरह की करंट अभी है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एक है जे करंट डेंसिटी जिसको कंडक्शन करंट डेंसिटी कहते हैं, दूसरा है जे डी जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी से नामित किया गया। तो यही है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों में डिफरेंस क्या है, कंडक्टर के केस में कंडक्शन करंट काम करता है, लेकिन जब मटेरियल वैक्यूम या डाइइलेक्ट्रिक होता है तब उसके कंडक्शन करंट फ्लो नहीं हो पाता, तो उस जगह पे एक दूसरा करंट काउंटर पार्ट आ जाता है जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये क्यों मैक्सवेल ने ये कंसिडरेशंस किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वैक्यूम और डाइइलेक्ट्रिक केस में भी इन केस ऑफ ए कैपेसिटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आई या उन्होंने ये तहकीकात किया कि वैक्यूम और डाइइलेक्ट्रिक केस में भी कोई करंट जरूर होगा, और उन्होंने उसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट रखा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट करंट जे डी। अगले क्लास में हम ये डिस्प्लेसमेंट करंट है डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो अगले क्लास में हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस एम्पियर्स लॉ में कैसे डिस्प्लेसमेंट करंट के मॉडिफिकेशंस होगा उसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।